अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रेशन मल्टीपल इंटीग्रेशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट में जस्ट हम इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में मल्टीपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर एग्जाम्पल सॉल्व करवा के उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लियर और सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है What is integration? What is integration? जी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि आपको डेरिवेटिव का पता हो ठीक है आपको डेरिवेटिव का पता हो What इज derivative? लास्ट वीडियो मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्कस किया था वो डेरिवेटिव um, के हायर कंसेप्ट से उसमें बट व्हाट इज़ डेरिवेटिव अब डेरिवेटिव होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ठीक है आपके पास डिपेंड uh, करता है कि वो चेंज किसके अगेंस्ट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो सकता है स्पेस में लाइक like एक्स ले रहा हूँ वेरिएबल ठीक है वो डिपेंड uh, करता है कि आपका फंक्शन क्या है और किसके रिस्पेक्ट उसमें चेंज आ रहा है क्लियर रेट ऑफ चेंज डेफिनेशन थी हमारे पास रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। था क्लियर ये तो हमने जस्ट डेरिवेटिव को डिफाइन किया है अब हम आते हैं इंटीग्रेशन से, से पहले हम किसी फंक्शन को उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो लाइक मैं एक फंक्शन ले रहा हूं वाई इज इक्व टू एक्सर प्लस एक्स क्यूर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ये एक मैंने फंक्शन ले लिया ये मैंने एक अल्जब्राइक इक्वेशन लिखी है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि चूंकि यहाँ पे मैं डायरिवेटिव uh, से डिस्कस कर रहा हूँ तो फंक्शन लिमिट्स और वो सारी बातें हमने डिस्कस नहीं की हैं प्रीवियस तो पहले मैं क्लियर कर दूँ कि एक आयलर मैथेमेटिशियन था उसने क्लियर किया था कि वाई जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है वाई इज योर डिपेंडेंट और ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर x इज योर इंडिपेंडेंट क्लियर x योर इंडिपेंडेंट तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखें तब भी ठीक है यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूं एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्स टू एक्स प्लस थ्री तो तब भी ठीक है या फिर वाई लिख दी तब वाई लिख दिया तब भी एक ही बात है क्लियर अब हम आते हैं इसका फाइंड करते हैं तो डेरीवेटिव में हमारे पास पावर रूल एक होता है जो हम यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स चूंकि डिपेंड एक्स के ऊपर करना है तो ये बनेगा डी वाई अवर डी एक्स राइट साइड पावर शुरू में पावर एक कम कर देंगे देन जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, क्लियर ये पावर रूल है हमारे पास डेरिवेटिव का प्लस टू कांस्टेंट शुरू में आ जाता है और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अवर डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ये हमेशा याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट गोज टू जीरो से आ जाएगा टू एक्स प्लस टू ये हमारे पास आ गया डी वाई और डी एफ एक्स जी स्टूडेंट्स तो इसको हम कहेंगे हमारे पास डेरिवेटिव एक फंक्शन लिया था हमने ये फंक्शन था और हम यहां पे आ गए अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है जो बेसिक हमारा टॉपिक था टॉपिक बेसिकली डेरिवेटिव नहीं है डेरिवेटिव जस्ट में स्टार्ट है उसका लिंक दे रहा हूं चूंकि जो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसके तरफ आते हैं तो इंटीग्रेशन है आपके पास द रिवर्स प्रोसेस ठीक है या एंटी प्रोसेस जो भी आप लिखते हैं एंटी लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है रिवर्स लिखते हैं तब भी ठीक है रिवर्स प्रोसेस प्रोसेस या एंटी ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि हमें एक फंक्शन दिया होता और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है ये आपके पास है क्या अब वो कहते हैं कि अगर इसको इंटीग्रेट करें तो वापस यही फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है ये आपके पास जिस वे से हम वापस जाएंगे उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं बात क्लियर इसी को हमने कॉल किया है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन यहाँ तक क्लियर हो गया अब हम इसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं रिवर्स करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जरूरी थे तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को क्लियर करने से पहले यहाँ पर सिर्फ दो फंक्शंस डिस्कस करूंगा एक ये कि हमारे पास हमेशा याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन ये हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है और याद रखिएगा अब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन आया कहां से है अभी हमने खुद ही तो कह दिया है कि हमारे पास किसी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव तो आप चेक करें कि, कि किस फंक्शन का सोल्यूशन कॉन्स्टेंट आता है क्लियर यानी कि जस्ट एक्स अगर आपको दिया हुआ है इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या जाएगा? Like आ जाएगा कोई कॉन्स्टेंट लाइक वन आ जाएगा टू एक्स है तो यहाँ से सोल्यूशन क्या जाएगा? आ जाएगा टू आ जाएगा थ्री एक्स है तो आपके पास सोल्यूशन क्या जाएगा? आ जाएगा थ्री आ जाएगा मीन्स दैट्स कि आपके पास अगर पूछा जाए कि जो कॉन्सटेंट टर्म है वो किसका डेरिवेटिव है तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल लाइक एक्स सिंगल एक्स का डेरिवेटिव कॉन्सटेंट है सो so, कॉन्सटेंट की इंटीग्रेशन फिर हमारे पास वो वेरिएबल आनी चाहिए लाइक like एक्स आ जानी चाहिए ठीक है ये हमेशा याद रखिएगा अब कांस्टेंट क्या है जी वो डिपेंड करता है अगर तो यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से जैसे मैंने यहाँ सी लिख दिया तो मैं यहाँ सी लिख दूंगा अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में वन लिखा हुआ है तो हम जस्ट एक्स लिखेंगे और डी एफ एक्स चूँकि इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा और यही तो मैंने डेफिनेशन लिखी है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन अगर इसी को रिवर्स करोगे तो वापस डेरिवेटिव आना चाहिए वो फंक्शन आना चाहिए जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था लाइक like यहां पे टू एक्स है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे टू को बाहर ले लेंगे एक्स की इंटीग्रेशन ले लेते हैं क्लियर अब हमें पता चल जाना चाहिए कि यहां अगर उसने कहा है कि द रिवर्स प्रोसेस तो हमें पता है कि एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है इनफैक्ट ये थोड़ा हाई हो जाएगा इसकी तरफ नहीं आते हैं हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी जिस कॉन्स्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है यहां क्लियर अब हम आते हैं सेकेंड वन पावर रूल की तरफ जैसे आपने वहां पढ़ा था पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव वो क्या था आपके पास लाइक एक फंक्शन है एफ ऑफ़ एक्स पावर एन प्लस वन क्लियर और इसके इस फंक्शन के ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा लाइक like मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ डी बाई डी ऑफ एक्स तो ये किसके इक्वल आता है चेक करें तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव था कि पावर शुरू में आ जाएगी देन हम पावर को एक कम कर देंगे लाइक एन प्लस वन में से वन निकालेंगे तो एन बच जाएगा एंड देन अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है किसका जिसकी पावर है डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्लियर अगर इसको फर्दर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन एफ ऑफ एन ऑफ एक्स और दिस इज योर एफ प्राइम ऑफ एक्स क्लियर यहाँ तक जी स्टूडेंट्स यहां तक कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसको आ, उसका कमेंट्स uh, बॉक्स में बता सकते हैं अब आप चेक करें ये तो हमने जस्ट डेरिवेटिव के का पावर रूल यूज़ किया अब बेसिकली हम जाना कहाँ जाते हैं हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं ठीक है इंटीग्रेशन ये बेसिकली जो फार्मूला अभी हम यूज़ कर रहे हैं डेरीवेटिव का है पावर रूल ऑफ डेरीवेटिव बट हम जाना चाहते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का आपस में लिंक कितना है हम बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं जी चेक कीजिएगा हमने कहा था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन तो हमने इसका रिवर्स लेते हैं मतलब इसी के ऊपर हमने क्या करना है इसका रिवर्स प्रोसेस लेना है जी चेक करें कैसे होगा जी टेकिंग इंटाग्रल ऑन बोथ साइड्स ये बनेगा इंटैगर डी बाई डी एफ एक्स एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डी एफ एक्स इज ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इंटैग्रल एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एफ एक्स जी स्टूडेंट्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं हमें पता है हमेशा याद रखिएगा हमें पता है कि जो डेरिवेटिव के लिए साइन यूज़ होता है वो होता है डी बाई डी एफ एक्स ये कंप्लीट दोनों टर्म्स होंगी डी होगा और डी एक्स होगा तो तब डेरिवेटिव बनेगा ठीक है इसी तरह इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल के साथ डी एक्स होगा तब ये कंप्लीट इंटीग्रल इंटीग्रेशन बनेगा क्लियर अब ये दोनों इन दोनों की बात की है ये रिवर्स प्रोसेस है देखें हम अगर एक फंक्शन लिखते हैं और साथ ही में उसका रिवर्स रिवर्स होता है उसका इन्वर्स इसलिए मैंने वहाँ स्टेटमेंट में एन टी लिखा था तो अब एक दूसरे के जब रिवर्स होते हैं तो वो दोनों ये मैंने मैच फॉर्म में लिख दिया तो ये दोनों कैंसिल होकर उसकी आइडेंटिटी आ जाती है मतलब तो वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है ठीक है इसी तरह यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर डायरीवेटिव इंटीग्रेशन ये दोनों हों तो एट अ टाइम ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट तो। बाकी जो फंक्शन है वो बच जाएगा और फंक्शन क्या है आपके पास एफ एफ एक्स पावर एन प्लस वन और राइट साइड है आपके पास एन प्लस वन दिस इज एज इट इज एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स जी स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अब आपने क्या करना है अब आप चेक करें अगर तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हमें इसको दूसरे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू इंटैग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एफ एक्स अगर मैं इसको री राइट करके लिख दूँ इस साइड को मैं लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दूँ तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स ऑफ पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू एफ पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन दिस इज़ योर सम लाइक कॉन्स्टेंट सी सी के बारे में कहते हैं कि ये कोई कांस्टेंट टर्म है क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि वो हमारे पास बेसिकली जनरेट कहाँ से थी यहां तक क्लियर हो गया अब आप चेक करें ये हमारे पास जो फार्मूला बना है दिस इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने कहा था हम पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव से पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट करेंगे वट इज द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली आप चेक करें अगर अगर कोई फंक्शन या आपके पास एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, अगर सामने लिखा हो ठीक है एक फंक्शन का डेरिवेटिव सामने लिखा हो तो जो फंक्शन की पावर होगी उसमें एक एड करेंगे और वही जो नई पावर बनेगी उसी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे जी सर क्या कहा है मैंने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मैं इसको री करके लिख देता हूँ लाइक एफ ऑफ एक्स की पावर एन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एन की बात नहीं हो रही एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम क्या करेंगे हम पावर में एक ऐड करते हैं एफ ऑफ एक्स पावर क्या थी एन एन में एक ऐड करेंगे एन प्लस वन और डिवाइड भी इसी पे कर देंगे तो ये देखें पूरे प्रोसीजर से मैंने ये फार्मूला आपका क्लियर करवाया है बेसिकली आपको ये सिंगल स्टेप से सॉल्व करना है एक है ये, सारा, ये सारे स्टेप नहीं देने आपने जस्ट ये सिंगल स्टेप से इसको कैलकुलेट करना है जी तो ये था हमारे पास फार्मूला पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन जी स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसकी तरफ तो उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास मैं एक छोटी सी एक लाइट्स एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेता हूं लाइक हम लिखते हैं एक्स डी एफ एक्स यस yes. चूँकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ वन डी ऑफ एक्स टू एक्स है बट इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमेशा याद रखिएगा हमारे पास एक नंबर है वन वन के बारे में कहा जाता है कि वो हर जगह मौजूद होता है पावर में उसकी डिवाइड टर्म में कॉफिशन में कहीं भी आप चाहें तो मैं यहाँ पे वन लिख सकता हूँ मैं कह सकता हूँ जी कि एक्स के साथ जो कि मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है वो वन है और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है गॉड इट इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने हो तो हम क्या लिखेंगे फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर चूंकि ऑलरेडी वन थी तो वन प्लस वन डिवाइड वन प्लस वन प्लस समथिंग सी विच इज योर एक्स स्वेयर बाय टू जी स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट थे इंटीग्रेशन के और उसमें अभी हमने सिर्फ एक ही फार्मूला डिस्कस किया है पावर ला पावर ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है अब हम वापस उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो हमने प्रीवियस पेज पर लिखी थी अगर आप चेक करें तो उसी एग्जाम्पल को यूज करेंगे हम ये थी आपके पास डी वाई बाई डी एफ एक्स डी वाई बाय डी एफ एक्स विच इज इक्व टू तो, टू एक्स प्लस टूर अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स जी स्टूडेंट्स तो ये क्या बनेगा डी वाई अवर डी एक्स इंटू डी एक्स दिस इज़ योर इंटीग्रेशन लेने लगे हैं तो मैं कॉन्स्टेंट चले अभी मैं इसी तरह लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस टू ए की बार ले लेता हूँ ठीक है अब ये चूंकि रिवर्स होने हुए ऐसे कैंसिल हो गए ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए बाकी क्या बचेगा यहाँ से तो जस्ट वाई आ गया राइट right साइड आ जाए तो यहाँ इंटीग्रेशन में सेपरेट लिखता हूँ जी दिस इज़ योर एक्स डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया वन डी एक्स जी स्टूडेंट्स मैंने इंटीग्रेशन पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर अप्लाई की तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और लिमिट इन तीनों के रोज में आता है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको बाहर लिखते हैं लिमिट्स में भी बाहर लिखते हैं डेरिवेटिव में भी बाहर लिखते हैं और इंटीग्रेशन में भी सो हमने इंटाइग्रल से बाहर लिख दिया अब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन सो हम कांस्टेंट नंबर टू है इसको बाहर लिख दिया वन की इंटीग्रेशन देख लेते हैं ठीक है जी अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म वो है वन सो so आप कह सकते हैं टू इंटू एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव वन होता है सो पावर रूल लगेगा और पावर रूल अभी हमने डिस्कस किया है क्या बनेगा वन प्लस वन पावर में एक ऐड किया जो नई पावर बनी है उसी पे डिवाइड कर देंगे क्लियर प्लस टू और यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन किस का डेरिवेटिव है तो वन एक्स का डेरिवेटिव है जी यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस समथिंग लाइक सी चूँकि हम सी यूज़ करते हैं एज ए कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स के डिवाइड्स बाई टू प्लस टू एक्स प्लस सी ये आप अब आप चेक करें तो ये जो आपका टू और टू है ये दोनों और हैं कैंसिल तो बाकी बचेगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस सी दिस इज योर वाई और ये हमारे पास फंक्शन फाइंड हो गया है अब हम इसी फंक्शन को अगर उससे कंपेयर करें जो हमारी एग्जांपल थी तो आप चेक करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी एक्स स्क्र चेक करें आप एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस सी अब ये हमारे पास c है और यहाँ हमारे पास थ्री है तो c का मतलब क्या था स्टूडेंट्स यही बात हमने पहले भी डिस्कस की थी c एक अन कॉन्स्टेंट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है ठीक है तो हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो सी यूज़ करते हैं और जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उस वक़्त तो हमें कांस्टेंट पता होता है मगर जब हम रिवर्स जा रहे होते हैं तो उस वक़्त तो हमें सी का पता नहीं होता यहाँ तक क्लियर अब सी कब यूज़ होगी और कब यूज़ नहीं होगी वो बात की बात है वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन्स का बेसिक आप कह सकते हैं जस्ट पावर ला पावर रोल हम डिस्कस कर रहे थे उसके बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे अब हम आते हैं फर्दर हमारे पास कुछ आ, आ, इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे और टाइप्स में हमारे पास मेजर जो टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस there are two types of integrations. types of integration. first type है आपके पास indefinite और second one है आपके पास डेफिनेट ये दो टाइप्स है आपके पास डेफिनेट डाइगल और इनडेफिनेट डाइगल में फर्क क्या है हम बात करेंगे आज जो है वो इनडेफिनेट की नहीं डेफिनेट की करेंगे ठीक है मगर इनडेफिनेट को हम यूज करते चले अभी तक जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व की हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं इनडेफिनेट की ये जो सी आता है ये बेसिकली इनडेफिनेट डाइगल में आता है ठीक है रिवर्स प्रोसेस की जो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं वो हम इनडेफिनेट के लिए करते हैं डेफिनेट के लिए हम डेफिनेशन में मोडिफिकेशन कर देते हैं ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स अब उसके बाद हम इसके बेसिक कुछ फार्मूलें उनको लिख लेते हैं और जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है हम इसको Uh, अभी तक हम बात सिर्फ इनडेफिनेट की कर रहे हैं ठीक है डेफिनेट में भी मैं सेकेंड लेक्चर लू और उसमें डिस्कस करूं कि डेफिनेट डेफिनेटैगल क्या है अब हम सबसे पहले आते हैं जी देखें हर फार्मूले का प्रूफ है हर फार्मूले को आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक वन डी ऑफ एक्स दिस इज योर एक्स प्लस सी ठीक है इसको भी अगर आप चाहें तो सॉल्व करके ये सोलूशन ला सकते हैं ठीक है चाहते हैं तो मैं इसको क्लियर करवा दूँ लाइक फंक्शन है अब हमारे पास y इज इक्व टू एक्स इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dy वाई अवर डी बनेगा तो दिस इज योर वन इंटीग्रेट उसने कहा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एफ एक्स ऑफ वाई डी एक्स दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एफ एक्स ये कैंसिल हो जाएगा बाकी बचेगा वाई दिस इज इक्व टू वन डी एफ एक्स तो मैं वन डी एफ एक्स को इधर लिख लेता हूँ ये वाई और वाई बेसिकली है क्या हमारे पास एक्स है सो so आप लिख लेते हैं एक्स एंड चूंकि इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे आ गया दिस इज योर सी अब सी डिपेंड करता है यहाँ पे सी ज़ीरो था ठीक है यहाँ पे सी क्या था ज़ीरो था तो इन जनरली हमें सी लिखना होता है वो चाहे जीरो हो या जो भी हो तो इसलिए ये फार्मूला ये फार्मूला आपका इसकी डेरिवेशन यहाँ से आ गई है उसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एफ एक्स दिस इज़ योर एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन और साथ ही में प्लस समथिंग सी इसकी डेरिवेशन हम देख चुके हैं और उसके बाद आते हैं हम लाइक इंटीग्रेशन ऑफ किसी हम टिटोमेटिक फंक्शन ले रहे हैं कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और कॉज जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है ये हमेशा याद रखिएगा डायरेक्टली अगर आपको ऐसे याद है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है इसकी सिम्प्लीफिकेशन तो करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसकी सिम्प्लीफिकेशन ठीक है कॉज जो है वो साइन का डेरीवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग सी अगर आप चाहते हैं तो इसकी डेरीवेशन यहाँ ऊपर लिखवा देता हूँ कॉज है आपके पास तो सबसे पहले आप क्या करेंगे साइन ऑफ एक्स हमने कहा था साइन का डेरिवेटिव है तो हम साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स ठीक है अब इंटीग्रेशन लेंगे तो डी बाई डी ऑफ एक्स तो आपस में कट हो जाएंगे तो बाकी साइन ऑफ एक्स बचेगा क्लियर और ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये तो कैंसिल हो गया आपस में तो यहाँ से बच गया साइन ऑफ एक्स दिस इज योर कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और प्लस समथिंग यहाँ डिफाइन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में वही कर लेता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग सी तो जी स्टूडेंट्स तो यह हमारे पास थाटिक फंक्शन कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की बात हो रही थी यहाँ तक क्लियर अब इसके बाद हम सेकेंड वन आता है जी अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स कहा जाए तो याद रखिएगा साइन जो है वो कॉस का डेरिवेटिव नहीं है माइनस कॉस का डेरिवेटिव है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन हर वो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होता है हर, है। हर है। है वो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ठीक दिखे है सो अब यहाँ मैं लिख लूँ कॉज इसका मतलब है कॉस का डेरिवेटिव तो नेगेटिव साइन होना चाहिए इसका मतलब है या यहाँ नेगेटिव हो या यहाँ नेगेटिव हो अब यहाँ तो उसने दिया नहीं था उसने तो हमें ये क्वेश्चन दे दिया है तो हमें फाइंड फिर करना है यहाँ नेगेटिव लिख देना है इसका मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव कॉस का डेरिवेटिव अब नेगेटिव कॉस का डेरीवेटिव कैसे है जी वो भी हम चेक कर लेते हैं ए, उसके लिए मैं नेक्स्ट चेक करेंगे अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं नेगेटिव डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स अब देखिए कॉज नेगेटिव अपना बाहर है बट कॉज का डेरिवेटिव भी तो नेगेटिव होता है नेगेटिव साइन ऑफ एक्स क्लियर अब इसको इंटीग्रेट करता हूं जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ये बायर वाला एज़ इट इज़ मैंने कहा था कांस्टेंट बायर होता है इंटैग्रल डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स डी एफ एक्स ये तो नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो गए ना दोनों ये नेगेटिव तो ये आ जाएगा इंटैगरल ऑफ साइन ऑफ एक्स यहाँ से इंटैग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो गए बाकी बच गया नेगेटिव कॉज ऑफ एक्स और ये क्या आ गया इंटैग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स तो कहने से मुराद ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या था फार्मूला हमारे पास फॉर्मूला था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा नेगेटिव कॉज ऑफ एक्स के यहाँ तक क्लियर उसके बाद हम आते हैं जी सी कंस् इंटीग्रेशन ऑफ सी कैंड ऑफ एक्स अब सीकेंड जो है वो हमारे पास किसका डेरिवेटिव होता है वो क्लियर है जी आप सब स्टूडेंट्स को कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंड स्केयर होता है सो हमने सिकेंड स्केयर लिख लिया उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इसकी बी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर ए एक्स डी एफ एक्स अब लिए आप चेक करें कि इसका हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ठीक है तो मैं पहले यहाँ ड्राइव करवा देता हूँ मेरे पास से सबसे पहले e की पावर x जो जो भी फंक्शन है लाइक e की पावर ए एक्स तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता ले हूँ d बाई डी एफ एक्स तो क्या होता है डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल का एज इट इज e की पावर ए एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ पावर ए एक्स ही है अब अगर चेक करें आप तो यहां से हमें मिला है डी बाई दी e की पावर ए एक्स और यहाँ से क्या आएगा e की पावर ए एक्स और साथ ही में ये कि जो कांस्टेंट है ये a बाहर और x का डेरिवेटिव वन यानी कि dx एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल होकर के वन क्लियर अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एफ एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स दिस इज योर ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स ये दोनों अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए अब आप क्या करेंगे ये आ जाएगा आपके पास e की पावर ए एक्स दिस इज योर इक्वेस्ट टू ए इंटैग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स तो मैं अगर e की पावर ए एक्स को इधर लिख दूँ और ये जो a मल्टीप्लाई रहा है दूसरे तो डिवाइड कर दूँ। तो इससे क्या साबित होता है ये तो मैंने जस्ट डेरिवेशन आपको बताई है इससे ये साबित होता है कि जब भी कभी किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की जाए तो हम लिखते हैं जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ ये याद रख लीजिएगा और देन डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर पावर का डेरिवेटिव क्या है जी ए एंड प्लस समथिंग सी तो ये हमारे पास था एक सिंपल सा वे जिससे हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व आउट करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास एक और फंक्शन है वन ओवर एक्स डी ऑफ़ एक्स अब वन ओवर एक्स बेसिकली हमारे पास किसका डेरिवेटिव है यह तो हमें डायरेक्टली भी पता है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है मगर ये इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला है वो याद रखिएगा अगर अगर हमारे पास एक फंक्शन है लाइक एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स क्लियर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में मौजूद है क्लियर ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास कहाँ पे है जी न्यूमिनेटर में अगर मौजूद है तो हम क्या करते हैं हम उस फंक्शन के ऊपर लॉग लगा देते हैं उस फंक्शन के ऊपर लॉग लगा देते हैं लाइक एपसी प्लस समथिंग सी क्लियर तो ये हमारे पास लॉग का रूल था इंटीग्रेशन के लिए तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमने क्या कहा है एक्सपोनेंट क्यों लगाया है चूंकि लॉग के लिए जरूरी है कि जो भी वैल्यूज आप फंक्शन की लेंगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए नॉन ने, नेगेटिव टर्म के ऊपर लॉग अप्लाई होता है नेगेटिव टर्म के ऊपर लॉग अप्लाई नहीं क्लियर अब लास्ट वन है हमारे पास अगर कोई इस तरह का केस है मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ लाइक वन आवर एक्स प्लस वन लाइक पावर टू ठीक है अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्या हम इसको सॉल्व करते हुए भी यही करेंगे कि हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस वन उसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन है वन का डेरिवेटिव जीरो है तो हम लॉग लगाएंगे नहीं इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास पावर दी हुई टू ठीक है जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि पावर हो पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बेशक मौजूद हो मगर आपके पास पावर है तो जब ऐसा केस हो तो हम सबसे पहले इसको मूव करते हैं एक्स प्लस वन को ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव टू हो जाएगी अब आप इसको सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स अब अगर याद हो तो हमने पावर रूल डिस्कस किया था और पावर रूल यही था ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखें वन का डेरिवेटिव जीरो होगा एक्स का डेरिवेटिव वन होगा तो हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव वन आ गया यानी कि इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है सो पावर रूल लगा देंगे तो क्या पावर रूल थी एक्स प्लस वन पावर में एक ऐड करेंगे माइनस टू प्लस वन डिवाइड माइनस टू प्लस वन प्लस समथिंग सी विच गोज टू अब ये क्या बनेगा एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन डिवाइड्स माइनस वन प्लस समथिंग सी या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन पावर प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है और ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी ये सिर्फ मैंने एग्जांपल इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप अगर पावर दी हो तो उसके ऊपर उसके लिए इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी स्टूडेंट्स तो आज हमने डिस्कस किया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करते हैं उसका डेरिवेटिव के साथ क्या लिंक है और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में भी अभी हमने डेफिनेट इंडाइग्रल को डिस्कस नहीं किया इनडेफिनेट को डिस्कस कर रहे हैं अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो फार्मूलेशन हैं वो सारे इंडेफिनेट के हैं चूंकि हमें यहाँ पर सी नज़र आ रहा है ठीक है और जब हम डेफिनेट इंडाग्रल डील करेंगे तो उस वक्त हम सी के बारे में भी कोई बात करेंगे क्लियर तो जी स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट थे यही हमारे पास एम सी क्यूज की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी तरह के एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें ठीक है इन फॉर्मूलों को कोशिश करें खुद डेवलप करें ठीक है यानी कि इनको ड्राइव करें जब आप खुद ड्राइव करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर ट्रिकी से ट्रिकी भी प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू